मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो? ए, क्यों वक्त जाया कर रहा है? आधे घंटे में डिलीवरी देनी है, कितना वक्त लगेगा? जान, ये महेंद्र सर की बाइक है, ये काम जल्दबाजी का नहीं है। 9080 का मॉडल है। आपको पता भी है गियरबॉक्स किस तरफ हुआ करता था? राइट साइड, ब्रेक लेफ्ट साइड, इंजन बीच में। आपको तो बस अपनी ही चलानी है, आराम से इडली सांभर खाकर सो जाओ। सलाह किसने मांगी, कितना वक्त लगेगा ये बता। अरे ओ छोटू, पाना मुझे दे। अरे जुमान जी, जल्दी आजा, मेरी बाइक सर्विस करनी है, रेस पर जा रहा हूँ। पहले इनकी फिर आपकी। ए, मेरे मालिक अभी मुझे चिल्ला कर गए हैं, जाइए तब तक चाय पी कर आइए। क्या बे, तू इतना हवा में उड़ रहा है यार? What a crack man, जिस बाइक को भंगार में बेचना चाहिए उसकी सर्विस कर रहा है। Boys, look at this scrap boy. तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन पहले ये होगी बाद में आपकी। बहुत हो गया तेरा, चल मेरी बाइक सर्विस कर। ये कपड़ा कहाँ रखते हैं? ये लोग कौन है, क्या हुआ इन्हें? अभी तो आपने पीटा सर। मैंने पीटा? हाँ बिल्कुल। अरे देखो ना, चलो उठो उठो उठो, चलो उठ जाओ यार। उठ गया और इसका तो पता ही नहीं चल रहा है। सॉरी यार, सॉरी गाइस, लगी तो नहीं ना? आपने इतनी बुरी तरह से पीटा सर, यकीनन ये बाइक आपकी खास बाइक होगी। Am I right, sir? Yes. 1989 February 24. इतवार का दिन था और मैं सिग्नल पर खड़ा हुआ था। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे सामने गुलाब का फूल लेकर आई। मुझे लगा आई लव यू कहेगी। उसने बाइक को आई लव यू कहा। बाइक को आई लव यू बोलने का क्या मतलब है सर? यही तो खासियत है इसकी। लेकिन आगे जाकर उसने मुझे भी आई लव यू कह दिया। ये तो अच्छी बात है ना सर, हैप्पी एंडिंग हो गई। अचानक एक दिन वो मुझसे बहुत दूर चली गई, जिसकी वजह था वो कौन है सर? विलन, जो 25 साल से नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आखिरकार उसी ने मुझे हिम्मत दी कि मैं तुलसी से जाकर मुलाकात करूं। क्यों हीरो, तुम लोगों ने मेरी जान पर हाथ रखा, मैं खामोश कैसे रहता? आपने भी तो बेहिसाब पीटा सर। सर 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 सर, आपने बताया नहीं सर, वो विलन और हीरो कौन है? ईश्वर। अगर हमें कोई तकलीफ होती है तो हम दूसरों से नफरत करते हैं और भगवान को कोसते हैं, लेकिन अगर सच्चाई के साथ खड़े रहें तो कभी न कभी मंजिल मिल ही जाती है। भगवान ने महेंद्र की जिंदगी से उसकी मोहब्बत छीन ली। गलती की इस्लाह करने के लिए महेंद्र इस सफर पर निकल पड़ा। इतनी देर हो गई, मेरे कपड़े इस्त्री क्यों नहीं हुए? तुम भी ना, तुम्हारी वजह से देर होती है। नाश्ता दीजिए, जल्दी करो ना। अरे अरे, कितना चीखोगे? आ रही हूँ, भूख लगी है। कितनी देर? जल्दी आइए ना। हाँ, कितनी देर कर रही हो? लेट हो रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी से दीजिए। लक्ष्मी। हाँ जल्दी खाओ। हाँ खाता हूँ। तुम दोनों ने अपनी होमवर्क बुक रख ली ना? पानी की बोतल रखी है नहीं? ओ लक्ष्मी, मेरी पैंट इस्त्री हुई या नहीं? बस एक मिनट में इस्त्री कर देती हूँ। रहने भी दो, लाओ, ऐसे ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, ऑटो आ गया, जल्दी जल्दी करो। चल चल। अपना टिफिन पूरा खा लेना, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी, चलो आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी। अरे जल्दी आओ। बाय मम्मी। ये आगे नहीं पीछे बैठो।
लक्ष्मी मैं चलता हूँ। रुकिए रुकिए, अभी खाने का डिब्बा लेकर आओ। जल्दी लेकर आओ ना, रोज देर होती है। और कितनी देर लगेगी? हाँ, आ रही हूँ। ये लीजिए, गेट खोलो। हाँ अच्छा चलता हूँ। हाँ, बाय। आप लोग समझ रहे होंगे कि घर का काम खत्म करने के बाद मैकेनिक का काम करती हूँ, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है। मैं अपने पापा के ख्वाब को हकीकत करना चाहती हूँ। उनका ख्वाब पूरा करना ही मेरी जिंदगी का असली मकसद है। हम काम करते करते भले ही थक जाएं, लेकिन जिम्मेदारियों से कभी नहीं थक सकते। पिछले 10 सालों से इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ और अब जाकर वो पूरा होने वाला है। लक्ष्मी सालन लेकर आना। ला रही हूँ, अभी आई। आपने तो सालन मांगा था ना। अब मूड बदल गया मेरा, कितना इंतजार करता। सुनिए ना। वो अब बोलोगी भी? पापा की बाइक को एडवांस फीचर्स को 6 टेस्ट के लिए अपग्रेड कर दिया है। मेरे मना करने के बावजूद बाज नहीं आई। ठीक है, समझ गया, शौहर से छुपा के करना चाह रही थी। अरे पूरा हो जाने के बाद बताना चाह रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है, तुमने अपनी मनमानी कर ली ना, तो बताने में झिझक क्यों रही हो? लद्दाख में होने वाले रॉयल इन्फिनिट एनुअल इवेंट में अगर फ्यूचर कंपनी वालों को इसका डेमो देंगे तो पापा की रूह को सुकून मिलेगा। तुम होश में तो हो ना, तुम चाहे कुछ भी करो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भले अपनी जान क्यों ना लगा दो, ना तो उससे कोई खुश होगा और ना ही किसी को गम। और तुम्हें क्या लगता है दफ्तर में जाकर मैं क्या कहूँगा? मुझे घूमने जाना है, वो भी लद्दाख। मैं जाना चाहती हूँ। तुम और इस बुलेट से? घर में शौहर है, बच्चे हैं, इस बात की परवाह है तुम्हें? आप गलत समझ रहे हैं, पापा का ख्वाब। बस बात हुआ। अगर कल से ये बाइक मुझे दोबारा इस घर में दिखी ना, मोहतरमा लद्दाख जाएंगी। पापा आपको बेटी नहीं बेटा पैदा करना चाहिए था। वो किसी की इजाजत का मोहताज नहीं होता, वो आपके ख्वाब की ताबीर पूरी करता। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं माने, नाराज हो गए। उनसे मुंह कैसे मोड़ूं? वो गैर तो है नहीं, मेरे पति है। पापा, हर किसी की जिंदगी का एक मकसद होता है, उसे पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। कोई कुछ भी कहे, कितना भी रोके, जब तक मंजिल ना मिले हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी चीज के मुतालिक सोचना गलत नहीं होता है, लेकिन उसके लिए कोशिश भी ना करना। मैंने राइटिंग के लिए नोट्स तैयार किए हैं मम्मी, कोई गलती तो नहीं की है ना? नाना जी के ख्वाब को अगर तकमील तक नहीं पहुंचाया, तो ये आपकी नहीं नाना जी की ही हार होगी। प्लीज मम्मी, पापा और भाई को मैं संभाल लूंगी, आप उनसे बेफिक्र रहिए। Welcome to All India National Adventure Race. Much awaited and heart-trampling race. Presenting to you our first rider, Mr. Sanjay. Oh no, he lost his race. Now, our next rider, Mr. Vijay. Come on, bad luck. Now we have our next rider, Mr. Ajay. Ajay! Yay! Hey, Ajay!
सब्सक्राइब टू माय चैनल। Sure. Hey coach. कैमरा वन रेडी, कैमरा टू रेडी। देख 300 मीटर की रेस है, राइट साइड में थोड़ा डेंजर है, इसलिए जरा संभल कर। तेरा पैर तो ढीला है, मैं टाइट करता हूँ। Just watch it, man. Okay? Relax. Hello, friends. Welcome to my channel, Ajay Adventures. Here I am going to show you one of the creepy adventure, amazing stunt. I don't understand जीतने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाए, but Ajay के लिए इस adventure को जीतना इतना आसान है, like gear change कर दिया। So friends, be with me. Be with me. Are you ready? 3, 2, 1. Are you okay? Yeah. Okay. I'm fine. Woo! That was crazy, man. Water? Yellow. Thanks. You know what? तू पी रेस हार चुका है because of your over confidence. Don't worry, Vicky. अभी भी मौका है ना। Cool. अगली बार मैं गियर चेंज कर दूंगा। तेरा यही कॉन्फिडेंस तुझे ले डूबता है। फोकस और डेडिकेशन बढ़ा दे, तभी कुछ हो पाएगा। अब तेरे पास सिर्फ दो ही मौके हैं, चंबल और लद्दाख के। ये दोनों ही खतरनाक हैं। अगर ये दोनों रेस तू जीतेगा तब जाकर इंटरनेशनल लेवल के लिए एलिजिबल होगा। जीतना बड़ी बात नहीं है विक्की, इट्स माय चैलेंज। अब मुझे तेरा कोच बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाय द वे, यहाँ पे बाइक मिल जाएगी। ऑलरेडी वेलकम सर। वेलकम। बताइए आपको किस तरह का पार्टनर चाहिए? ए टू जेड, ऑल टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अवेलेबल हियर। ओहो या कोच ने तो बाइक लेने के लिए भेजा था, पर यहाँ तो मैरिज प्रपोजल। हेलो हेलो सर, यहाँ ज्यादा मत सोचिए, बाइक के मुतालिक सोचिए। ओके बाय। हेलो बॉस, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? कोड लैंग्वेज। व्हाट? यहाँ पार्टनर का मतलब है बाइक। स्किन टोन, हाइट, वेट, स्ट्रक्चर एंड मेजरमेंट, हर तरह के पार्टनर्स की अलग अलग कीमत है आपकी सहूलियत के लिए। ओके थलाइवा, आप ही का आशीर्वाद है। यस सर। यस माय डियर राइडर, दीज आर द हाई प्रोफाइल पार्टनर्स। इन्हें अंडरग्राउंड क्यों रखा है? अगर इन्हें अंडरग्राउंड नहीं रखेंगे तो मेरा बॉस अंडरग्राउंड हो जाएगा, सिर्फ इसीलिए। हेलो मामा, पार्टनर सेट हो गया क्या? वो मेरे अलावा सबको मना कर रही है क्या? मसला क्या है? बुकिंग कंफर्म कीजिए। hey, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलिए बोलिए। प्राइवेट जॉब करते हो ना? हाँ। इसीलिए वो लड़की ऐसा सोचती है? अब तक सोच रही है? मामा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे लिए वही पार्टनर फिक्स कीजिए बस। हाँ बोलिए सर, कौन सी पार्टनर पसंद है आपको? आखिर तुम्हारा चक्कर क्या है? मेरे लिए तुम इन्हें पार्टनर कह रहे हो और अपने लिए बाहर तलाश रहे हो, ये नहीं चलेगा। नो 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 सर, ये पार्टनर नहीं, वो मेरी जिंदगी की पार्टनर है। ब्रो अभी तक इंजन अभी तक बोगी का इंतजार कर रहा है, ये मेरी दर्दनाक कहानी है। वो सब छोड़िए, इनमें से आपको कौन सी पार्टनर चाहिए? आई लव दिस। वाह सुपर्ब सिलेक्शन, बट दिस इज नॉट फॉर सेल सर, ये मेरे बॉस की है। पैसों का कोई मसला नहीं है, लेकिन पार्टनर यही चाहिए। हाँ गिरे कहो। क्या हुआ? एक बकरा फंसा है, उसे आपकी पार्टनर पसंद आ गई है। कितना रेट लगाऊं? 6। ओके। क्या कहा उन्होंने? 8 बोला है। ओके डन। ओके डन। कार्ड या कैश? इस कार्ड से पैसा थोड़ी ना निकलेगा। तुम कॉल करो, वो कैश या क्रेडिट बता देंगे। ओके वन मिनट। गाइस फुल्ली अपग्रेडेड विद एक्स्ट्रा हॉर्स पावर, आई एम सो एक्साइटेड। दिस इज आवर विनिंग पार्टनर, लेट्स हैव अ लुक। These are the complete detail of the bike, so don't forget to comment, like and share it. Hello, so sir, please guys. रुकिए रुकिए, पहले ये ड्रामा बंद कीजिए। क्या हुआ ब्रो? ये कार्ड किसका है? पापा कहाँ है? क्यों क्या हुआ? वो तुम्हें नहीं जानते। What? Yeah, पापा? I'm thinking about. आपने कहा कि आप हमें नहीं जानते? Can't you see? I'm in important work. That bike is also important. ओके मिस्टर विजय, आप बात कर लीजिए, हम बाहर इंतजार करते हैं। हम तुम्हें कितनी मर्तबा समझाएं, तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वो आपके लिए फिजूल खर्च होगा, मेरे लिए वो पैशन है। पैशन से तुमने हासिल क्या किया है? हा? एक भी रेस जीती है आज तक? Have you won a single race? Life is not always about winning. इन्हें समझाइए। Various talk, only losers talk that way. You know what? Life is about winning, winning and just winning.
हर बार एक ही मौजू पर गुफ्तगू करना मेरे बस की बात नहीं है। आप यूएस जाकर पहले अपनी तालीम पूरी करें, उसके बाद अपनी कंपनी संभालें। अदरवाइज गेट आउट। अरे बेटा रुक जाओ, अपनी मम्मी का कहना नहीं मानेगा? अजय कहो ना। अमा बंटी, पैसों की सख्त जरूरत है। पैसे चाहिए? जितने चाहिए मिल जाएंगे। एक काम कर, अपने पापा के पैरों में गिर जा। हमने घर छोड़ दिया, तुम्हें कैसे पता चला? सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे शहर को इल्म हो गया है। तेरे पापा ने ट्विटर पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह पोस्ट कर दिया है। तुम किसी से भी मांग लो, एक ढेला भी नहीं मिलेगा। अब क्या करोगे? ये नहीं सुधरेगा। ये सही है। पापा के आगे हाथ फैलाए, दोस्त से कर्ज मांग कर देख लिया। इल्तिजा, कर्ज या चोरी। अब इंतजार करने के लिए ना तो उम्र बची है ना सब्र कर सकते हैं। कुछ तो कीजिए यार, पार्टनर को लॉ कीजिए। आपको मुलाजमत दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारा बॉस हमारी बात मान लेगा, ठीक है ना? डील लॉक करो। ओके। ए बुलबुल, हमारी जिंदगी तो समर गई, लेकिन तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? I'm here. You came again? हाँ। तुम्हारे पापा मान गए क्या? वो मान भी गए और पार्टनर के लिए पैसे भी रेडी। अरे वाह, दो 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 चाबी। ये लीजिए, हम इसे गिन लें। हाँ बिल्कुल। 8 लाख है, 2 मेरे, 6 उनके। खांचा रखने वाला आदमी होता है उल्लू, इसके तो फिर चाबी लेने वाला। गाड़ी एक तरफ लगाओ। अरे यार, गाड़ी में जबरदस्त फुलझड़ी बैठी है यार, बस एक बार हाँ कह दे। बता नहीं सकते कैसी है, उसकी फोटो भेजू क्या? खुद देख ले। ऐसे बात करते हैं? ये दूल्हा नहीं, धोखेबाज है। इसकी खता क्या है? बताओ बताओ, क्या गुल खिलाए हो? मेरे पैसों की ड्रिंक पी, सिगरेट पी, कॉलेज की फीस भी भरी, डिस्टिंक्शन से पास भी हुए, मेरे वालदेन को धोखे में रख के शादी का वादा किया, वो भी झूठ बोल के, और अब इससे शादी कर रहे हो? मेघना बेवफा, तुम्हारे लिए आंध्रा का खाना बनाना सीख लिया, यहाँ तक कि बोली तक सीख ली, अपना नाम तक बदलने वाली थी, और तुमने मेरे साथ क्या किया? कमबख्त ये सलाह दिया मुझे, मेरा बिस्तर तक गर्म नहीं कर पाए तुम। निकालो मेरे सारे तोहफे, निकालो चेन, ब्रेसलेट, रिंग, निकालो।
गाड़ी, गाड़ी की चाबी कहाँ है? अरे विनय दे दो इसे। By the way, ये मैगी बस 2 मिनट। Please with your past. Time heals almost everything. Don't stop yourself for others. Just go for it. Fight with yourself. Fight for yourself. Follow your dreams. No matter what. Just go for it. Hey you, what are you thinking? Stop thinking. Just go for it. You started your journey. Best of luck. May love be with you all through. Just go for it. अगर हमें कोई क्रॉस करे और हम उसे ओवरटेक करें तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। आई थिंक वी शुड गिव हिम दैट चांस। यस। हैट्स ऑफ, मैडम ने हमें टक्कर दी। इनका जॉब पत्थर से लिया जाएगा। अब वक्त आ गया है अपना हॉर्स पावर दिखाने का। Wow! Guys, we did it! ए पागल, जरा भी अकल नहीं है तुम्हें। बेवकूफ, बाप की दौलत को इस तरह फूकने निकला है और दूसरों को डरा रहा है। एक मर्तबा मेरे सामने तो आना। अरे यार, बहुत भूख लग रही है। Wow, wow, guys! That was a wonderful chase! Hello! Hi. Nice kids. So friends, हम इसी तरह exciting videos आप लोगों के लिए अपलोड करते रहेंगे। बस आप लोगों की मोहब्बत और सपोर्ट बरकरार रहे। And don't forget to like, share and subscribe. And मैं हूँ आपका। तुम खुद को समझते क्या हो? रोड क्या वीडियो गेम है? हाँ? वन वे पर गाड़ी कैसे चलाते हैं तुम्हें? क्या हुआ? चलो लाइसेंस दिखाओ। आरसी बुक कहाँ है? भाईजान क्या हुआ? नंबर कहाँ है? बाजी प्लीज। भाईजान क्या हुआ? महंगी बाइक तुम्हें लेकर दी किसने? यहाँ पुलिस स्टेशन कहाँ है? अरे क्या कर रहे आप लोग? प्लीज बैठिए ना। सॉरी बाजी, आई एम रियली सॉरी। आप खातून है इसका मुझे इल्म नहीं था, मुझसे गलती हो गई। वैसे तो मैं गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाता हूँ। तुम्हारे सिर पर घोंसला देखकर समझ में आता है कि तुम कैसे चलाते होगे। मेरी जान निकलते निकलते बची है, पता है? हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं ना। प्लीज बाजी, मुआफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। प्लीज प्लीज प्लीज, दोबारा ये गलती मत करना। ओके, शुक्र है मालिक। भाई दो चाय। अपने मुतालिक बताइए ना बाजी। Amazing story. आपने अपनी गृहस्थी दाव पर लगा दी। I really appreciate your goal, बाजी। और इसी पल से हम आपके गोल को सपोर्ट करेंगे। Okay? शुक्रिया। One second. Hey guys, meet Lakshmi बाजी. She's a wonderful rider and she's going to come with us. This is Ajay the Adventure Riders signing off. Tada! कोरोना बियर नहीं है तुम्हारे पास? कोरोना बियर नहीं है? पूरी दुनिया में कोरोना है, तुम्हारे पास नहीं है? कितना झूठ बोलोगे रे तुम लोग? सबके सब सदमा हो, बस बर्बाद कर दिया।
बात बताओ, मैंने सही कहा कि नहीं? कोरोना बियर नहीं देगा। हेल्प, हेल्प, हेल्प। नाम क्या है? मेघना। और तुम कौन? हम ही तो इन्हें यहाँ लेकर आए हैं। जिसे देखो मुंह उठाए चले आते हैं आधी रात को, बाहर जाकर कांड करते हो और यहाँ आकर हमारी जान खाते हो। हो गया, चलो जाओ। डॉक्टर पर हाथ उठा दिया। काट के फेंक दूंगी कमीने। एक डॉक्टर के पास मरीज नहीं आएंगे चलेगा, लेकिन सब्र तो होना चाहिए। बात करने की तमीज नहीं, डॉक्टर कैसे बना? कहाँ से ली तुमने डॉक्टर की डिग्री? डॉक्टर को मरीज के साथ हुस्ने सुलूक करना चाहिए, बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए। अब आपका काम हो गया है, आप जा सकते हैं यहाँ से। जाइए। सुनो महेंद्र, आप रहने दीजिए, किसी मैकेनिक के पास ले चलते हैं। अरे बहुत ही मामूली सा काम है, मैकेनिक की जरूरत नहीं है। वैसे कहाँ से आ रही हो तुम? जब धोखा ही देना था तो झूठे प्यार का नाटक क्यों किया? उसे पीटने के लिए इतनी दूर चंडीगढ़ से यहाँ तक आई हो। शुक्र है उसकी शादी अमेरिका में नहीं थी। अमेरिका में क्या, चांद पर भी शादी करता ना तो भी नहीं छोड़ती। जब मुझसे शादी करनी नहीं थी तो मोहब्बत क्यों की? वैसे तुमसे मोहब्बत करने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। तुम्हारी बाइक तैयार है, ठीक है? अरे ये क्या, हमें तन्हा छोड़कर जाएंगे? तुम्हारे साथ सफर करना बहुत ही मुश्किल है। डोंट ड्रिंक टू मच। अरे यार, हाँ ऐसे कपड़े लेकर मुझे घूमोगे? जब तक बाइक नहीं मिलेगी तब तक। अरे हम लोग पहले ही एक रियासत पार कर चुके हैं। अरे इसमें तो हम लोग ही फंस जाएंगे। एक मुल्क क्यों ना पार करना पड़े, पहले उसे पकड़ेंगे, बाइक को वापस लेंगे, तब जाकर हमें मुलाजमत वापस मिलेगी। अरे वैसे भी तुम तो सेल्समैन हो ना, ऐसे तो हजारों नौकरियां मिल जाएंगी तुम्हें। अरे भाई पहले आप उतरे, उतरिए। एक तो तुम सरकारी मुलाजिम हो, तुमसे कहेंगे आ जाए आकर अपनी दुल्हनिया ले जाए, लेकिन मेरा मामला ऐसा नहीं है। 10 साल के बाद तो हमें नौकरी मिली है, अब हम नौकरी नहीं खोना चाहते। नौकरी गई तो कंगाल हो जाऊंगा, दुल्हन भी नहीं मिलेगी। अरे मुलाजमत का शादी से क्या ताल्लुक है यार? अरे मेरे बाप, हमारे होने वाले ससुर को पक्की नौकरी चाहिए, समझे? हमने ओनर से जो कहा उन्होंने भी वही कहा, हमने भी बड़ी बड़ी लपेट दी। हमारे बॉस का कहना है जब तुम बाइक वापस लेकर आओगे तब पक्की नौकरी तय करेंगे। अब बताओ हम कहाँ जाएं? देखो दोस्त, एक लड़की को शादी करने के लिए सिर्फ लड़की होना ही काफी है, लेकिन एक लड़के को शादी करने के लिए पक्की नौकरी की गारंटी भी चाहिए। ये हाल है हमारे मुल्क का। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। दोबारा बीच में टोकेगा तो नहीं? अरे नहीं टोकूंगा, तुम चलो। ठीक है चलते हैं। नागपुर ब्रेड ऑमलेट, वेरी नाइस। बाजी हम कब से देख रहे हैं, आप बहुत मायूस नजर आ रही है। हम यहाँ पर रोएंगे तो वो वहाँ पर खुश होंगे क्या? क्यों नहीं बाजी, आपकी बेटी ने तो आपसे कहा था ना कि आप यहाँ से खुशी खुशी जाइए, हम पापा और छोटे भाई का ख्याल रख लेंगे। अगर आप यहाँ खाना नहीं खा रही है और उसे ये बात पता चल गई तो वो बहुत मायूस हो जाएगी, है ना? तो जितनी जल्दी आप यहाँ खाना खाएगी उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। बाजी आप खाएगी तभी हम खाएंगे ना, ठीक है? आई एम नॉट ईटिंग। खाने की तौहीन करना अच्छी बात नहीं है। सच में लजीज है, खाइए ना। आई नो बाजी यू आर वेरी हंग्री, कम से कम एक इडली खाकर देखिए, बहुत लजीज है। चाहिए तुम्हें? एनीथिंग यू ऑर्डर। क्या चीज है, कातिलाना अदा है ना। ए, ये तेरे बस की बात नहीं है बेटा, मैं जाता हूँ। ए तू चुप कर यार, पहले मैंने देखा। अरे ये कहाँ चल गया? देखा ना कितना कमीना ये। हाय तो आई एम निखिल। निखिल अखिल और एनी पिकल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चल। शायद तुम्हें तेज भूख लगी है, मैं खुद लेकर आ जाता हूँ। जिस गधे से इसकी शादी होगी ना, चलो उसकी तो लग जाएगी।
देखने वाला है क्या? हाय ब्रो। कौन बोला? हाय ब्रो। ओ हाय सब्सक्राइबर। ए उठ, तुमसे अलग से बोलना पड़ेगा, तुम भी उसी गैंग के हो ना? गेट अप। हेलो हेलो हेलो, ये क्या कह रही हो? आई एम अजय द यूट्यूबर एंड आई थिंक यू आर नॉट माय सब्सक्राइबर। एक्स्ट्रा स्मार्ट बन रहा है। ओ माय, जस्ट मिस्ड। अभी तुझे बताता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेघना, 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 छोड़ो, अरे भाई, हटो ना यार। रिलैक्स मेघना, क्या इसी तरह तुम सबसे लड़ती रहोगी? मैंने स्टार्ट किया, देखा नहीं वो मेरे सामने कैसे आकर बैठ गया? He tried to flirt with me. Are you okay, bro? छोड़ मुझे। Subscribe to my channel. Okay. बच्चों की तरह लड़ रहे हो तुम। वॉच बच गई बाजी, अगर आप बीच में नहीं आते ना तो मैं उसे पटक कर उसे। खामोश बैठ जाओ। उसे तो मैं, चलो हो गया, चलते हैं। दो मिनट बाजी, ये मैटर मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। क्यों रे, रात में मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सुनो, तुम जो बाइक लेकर भागे हो ना, वो लोग रात दिन तुम्हारी तलाश में हैं। वो मेरे भी घर तक पहुंच गए थे, तुम कहीं भी जाओ लेकिन वो मुझे तलाश ही नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं तलाश कर पाएंगे? खैर छोड़ो। अच्छा बताओ, हमें क्यों कॉल किया? मैंने मेघना को देखा यार। तुमने मेघना को देखा? संभल कर रहना यार, हमने उसे शादी में देखा था, उसने दूल्हे की धुलाई कर दी थी। हम भी तो जस्ट बचे है यार। हाँ, मोहब्बत में ये सारी चीजें आम होती है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं उससे ऐसे मुलाकात होगी, सोचा भी नहीं था। ऐसा कॉस्मिक कनेक्शन। कॉस्मिक कनेक्शन? भाई जरा बचकर रहना। अच्छा एक बात बताओ, किशोर की शादी की टिप तुमने दी थी, ये बात वो जानती है क्या? उसे नहीं पता, उसने कई बार कॉल किया लेकिन मैंने उठाया ही नहीं। शरीफ हीरो बनकर उसके पीछे दुमलाने से बेहतर है हम विलन बनकर उसकी जिंदगी में एंट्री करेंगे, ये हमारा स्टाइल है। बचकर रहना भाई। हाँ अब क्या हुआ? पता नहीं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही महेंद्र। टैंक खाली है तो कहां से होगी, पूरा सूख चुका है। ऐसी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, टैंक तो फुल किया था। मेरी बाइक में पेट्रोल तो है लेकिन निकालने के लिए बोतल नहीं है। मेघना, कोई आ रहा है। इससे रहने दो महेंद्र, हम किसी और से मदद मांग लेंगे। रुको मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हाउ कैन यू हेल्प मी? हाउ कैन आई हेल्प यू सर? इनकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है। असल में खत्म नहीं हुआ, किसी ने चुरा लिया है। व्हाट? क्या चोरी हो गया? पेट्रोल को लॉक करना चाहिए था ना, यहाँ पर बेहिसाब चोर घूमते हैं। जिसे मौका मिलेगा वो तो चुराएगा ही। And can you pull your fuel cap, please? तुमने तो पूरा ही पेट्रोल डाल दिया, तुम्हारे लिए है या नहीं? क्या बात कर रहे हैं सर, हमारी बाइक बिना पेट्रोल के चलती है, जानते हैं? तुमने बिल्कुल सही कहा, ये गधों का सबसे बड़ा सरदार यही है। I know that. Okay. Your bike is ready. ये क्या है? पैसे। तुमने क्या हमें पेट्रोल पंप पर काम करने वाला बंदा समझ रखा है? देखा ना बाजी, आजकल की लड़कियां हर चीज को पैसे के तराजू में तोलती है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, किसी की मदद करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन ये जंगली इलाका है, पैसों से सब मयसर नहीं हो सकता। पैसे डाल दो गाड़ी में। हाँ आप ही कहिए इनसे। हाँ वो लोग कब का निकल गए, अब हम भी चले? हाँ चलते हैं। आप बिना बताए कहाँ चली गई? पता है हमने आपको कहाँ नहीं तलाशा? मदद करने का कोई मतलब ही नहीं निकला। दोनों की एक ही मॉडल की बाइक है, लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रिक मोड कैसा है? जी सर, ये बाइक हमारे पापा ने बनाई थी आज से तकरीबन 20 साल पहले। इस बाइक में इलेक्ट्रिक एनालॉग सपोर्ट से नया फॉर्मूला डिजाइन किया था। उन्होंने मार्केट में इसे लॉन्च करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो अपना ख्वाब पूरा करते इससे पहले। I'm sorry. लद्दाख फेस्टिवल में रॉयल एनफील्ड के सीईओ आ रहे हैं, हमने सोचा अगर इस प्रोजेक्ट को वहाँ डायरेक्टली सबमिट करो तो शायद कुछ हो जाए। वो इसे 100% एक्सेप्ट करेंगे, I'm sure. आप अपने पापा का ख्वाब पूरा करना चाहती हैं?
आज के दौर में तो कोई इतना नहीं सोचता। Really, you're a great daughter. शुक्रिया सर। हाँ, दीदी अपने पापा से मोहब्बत करती है इसलिए सफर पर निकली है, और मैं अपने पापा से खफा होकर निकला हूँ इसलिए हमारे दरमियान इतनी बॉन्डिंग है। Cheers. By the way, हमने आपको अपने मुताले कुछ बताया नहीं ना? नहीं। अजय द एडवेंचर राइडर। ओह, यूट्यूबर। प्लीज सब्सक्राइब। श्योर श्योर। ओके ब्रो, ये बाइक भी तुम्हारी तरह बिल्कुल अलग लग रही है, तुम्हारी ही है ना? हाँ, हमारी है, हमारी है। चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। ओके। पता चल गया क्या? कट लेता हूँ। आप भी सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप पे लिंक सेंड करूँ क्या? नंबर? मेरे फोन में यूट्यूब ऐप नहीं है। ओह, अच्छा भाई, अपने मुतालिक तो बताएं। जिस लड़की से हम मोहब्बत करते हैं उसके लिए सफर पर निकले हैं, जिसे हमने 25 साल पहले खो दिया उसी के लिए इस मर्तबा लद्दाख के लिए निकले हैं। What? इस उम्र में मोहब्बत? माशुका के लिए इतनी दूर जा रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं? मोहब्बत करने वालों की उम्र बढ़ती है, मोहब्बत की नहीं। अच्छा, वैसे आपको देखते ही आंटी आपको पहचान लेगी, आप पूछेगी कि आप कौन हो भाई साहब। हाँ, इसी बात का शुभ हमें भी है, इसीलिए इस बाइक को साथ लेकर निकले हैं। हमें भले ना पहचाने लेकिन इस बाइक को जरूर पहचान लेगी। मोहब्बत होती है मुकद्दर से। बहुत खूब। खैर, हमारी मुलाकात इत्तेफाक है और हम जा भी एक ही जगह रहे हैं, तो हम सब साथ में सफर करेंगे, ठीक है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे देवा, अरे देवा, अब तो शायद मुझे बर्फ से सेकना पड़ेगा, तब जाकर आराम मिलेगा। अरे कम से कम अपनी सीट पर स्पंज तो लगा देता गधे। अरे आलसी सरकारी मुलाजिम, मेडिकल लीव लेगा तो भी तनख्वाह मिलेगी, सिक लीव लेगा तो भी तनख्वाह मिलेगी, यहाँ 24 घंटे टाई लगाने के बाद भी मेरी नौकरी में तनख्वाह का कोई भरोसा नहीं है, समझा? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? तुम हाथ धोकर मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ गए भाई? तुम भी सरकारी नौकरी कर लो ना। खाट के बगैर तो हम लोग सो सकते हैं, लेकिन रिश्वत के बगैर सरकारी नौकरी तो भूल जाए। मेरे वालिद ने मुझे ना खाट दी ना रिश्वत दी, हमें कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? अरे किसका फोन है? हेलो, कहाँ पर हो तुम गिरे? अभी नागपुर पहुँचे हैं सर, चाय पीने के लिए छोटा सा ब्रेक ले लिया है। चेस स्टिल कंटिन्यू सर। और कितने दिन लगेंगे? वो बचकर कहाँ जाएगा सर, उसे पकड़ने के बाद ही आपको अपनी शक्ल दिखाऊंगा सर। सर, अगर हमारे मामू फोन करते हैं तो उन्हें मेरी नौकरी के हेलो, इस बहरे को वैसे तो सब कुछ सुनाई देता है लेकिन काम की बात सुनाई नहीं देती है। आए बोल यार। टूटी ड्राइविंग देखकर तो ना हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है। इसी का तो एडवेंचर कहते हैं बाजी, थ्रिल में ही तो मजा है। इतना रिस्क लेना जरूरी है? बात जरूरत की नहीं, शौक की है। ऑफ रोड में फुल स्पीड में गाड़ी भगाकर लेफ्ट राइट करने में जो मजा है ना, वो कहीं भी नहीं है बाजी। दिल करता है बस चलते रहो चलते रहो। इट कांट बी अ स्नीज व्हिच इज बैक टू एक्सपीरियंस। बाजी, बाजी कहाँ है? वो रही वहाँ। वो बाजी को लेकर चली गई। क्यों डोड, देख रहा हूँ उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तुम। नहीं ब्रो, हमें लगता है ये लड़की सिर्फ हमारे लिए पैदा हुई है। उसके मुतालिक एक राज की बात बताएं? क्यों नहीं, बोलिए ना प्लीज। ये बात कम करती है और मारती ज्यादा है। तुम्हें भी वो पहले मारेगी उसके बाद बात करेगी। ब्रो, वो तो हमें भी पता है। देखिए भैया। देखता हूँ पहले कुछ खा तो लूं। एक बात कहूँ, हमारा 8 साल का बेटा भी अब तक खाना नहीं सीख पाया। हमारी उम्र तक आते आते वो भी सीख जाएगा। जिंदगी में हम जैसा सोचते हैं वैसा हमेशा होता नहीं है मेघना, बट इट्स नेचर। ये डिसीजन पर भी डिपेंड करता है कि हम सही ले रहे हैं या गलत। हर कोई 100 साल जिए ये जरूरी नहीं है, अगले पल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हर पल जिंदा दिली से जीना चाहिए। हमें अपने गुजरे पलों को याद करके अफसोस नहीं करना चाहिए। वैसे तुम्हारी जनरेशन के लोग बहुत ही तेज होते हैं। यू आर 100% राइट महेंद्र, आज की जनरेशन के बच्चों से जरा भी उम्मीद नहीं कर सकते।
इंसानियत तो दूर है ही, मोहब्बत भी नहीं बची है। पहले एक दूसरे से मोहब्बत करके शादी करते हैं और जब शादी हो जाती है तो वही जुदा होने की वजह तलाशने लग जाते हैं। शादी के पहले जो मोहब्बत होती है वो शादी के बाद तक क्यों नहीं रहती? कोई मतलब नहीं। इस बात पर यकीन करोगे, आज इंसान इंसान से ज्यादा जानवरों से प्यार करने लगा है। चेक इट ऑन गूगल। लेकिन मोहब्बत में कोई धोखा खाता है ना तो उसे भूल कर किसी और की तलाश में लग जाता है। मैं तुमसे कह रही हूँ, कल को हर एक घर में एक कुत्ता होगा, क्योंकि अब तो मोहब्बत देखने को ही नहीं मिलती। और बचा है तो क्या, सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी रिश्ते, वो भी बस कुछ पलों के लिए। आप जैसे लोग भी तो हैं ना इस जनरेशन में महेंद्र, कम से कम 100 में से एक। पहले आप जितने खुश रहते थे क्या अब हैं? जवाब दीजिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइक में पेट्रोल डालकर चलना चाहिए ना। अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो ठहरे सरकारी मुलाजिम, तुम्हारा पेट्रोल तो सरकार भरती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है ना, प्राइवेट नौकरी है यार, सोचना पड़ता है। तेरी शादी के चक्कर में ना मेरा बैंड बज गया है, अब मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। क्यों रे, तू मेरी नौकरी और शादी को हल्के में ले रहा है, चल जा। ए, पुलिस वाले के सामने नौटंकी कर रहा है? अरे जा यार, अगर मेरी शादी नहीं हुई ना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अरे साले तू किस मिट्टी का बना है रे? अरे कुवारा रहने से तो अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तुझे जाना है तो जा। अरे 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 क्या रे, ए तुझे और तेरी बाइक को छोड़कर मैं कहां जा सकता हूँ, चलो। हाँ? सच में ना? हाँ भाई चल। देखना मैं अपने बेटे का नाम तेरे नाम पे रखूंगा। अच्छा चल, ठीक है, चल। कमर जो ही कट जाएगा। हमारी ऑलरेडी बुकिंग है, प्लीज चेक करना। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू सर। हम दोनों, आप लोग तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाइए, मंदिर चलते हैं। इतनी दूर से राइड करके आए, अब दोबारा जाएंगे? हमें नहीं आना है। तुम्हें आराम करना है तो करो, हम लोग चलते हैं। अभी तक रेडी नहीं हुए, कितना टाइम पास करते हैं। भारतीय नारी लग रही हो। Can I like you, boy? चलो जल्दी चलो अजय, देर हो रही है। सॉरी। क्या हुआ ब्रो, आप नहीं आ रहे? भगवान से आप नाराज है क्या? हाँ हूँ। भगवान ने क्या बिगाड़ दिया? अगर तुम्हारी जुबान में कहूँ तो मैंने भगवान के चरणों को अनसब्सक्राइब कर दिया है। उसमें बुराई क्या है, दोबारा सब्सक्राइब कर लो, सिंपल। नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ। मेघना से बचकर रहना। ठीक है। महेंद्र तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतने फेरे किस लिए? जिस्मानी दर्द खत्म होने में हफ्ता भर लगेगा। मैं ये दर्द झेल लूंगा अगर तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लो तो। और मन्नत क्या मांगी? हमने भगवान से ये मन्नत मांगी है कि जैसे शिव पार्वती की जोड़ी है वैसे अगली मर्तबा जब दर्शन करने आऊं तो तुम्हारे साथ आऊं। महेंद्र तुम सच में पागल हो गए हो। मेघना, मेघना, ओम नमः शिवाय। भाभी मेघना कहीं दिखाई नहीं दे रही, आपने कहीं देखा? अब तक तो वो हमारे साथ ही थी। हाँ। पता नहीं कहाँ चली गई। पता नहीं का क्या मतलब है? गांव की गली थोड़ी है, एक शहर से दूसरे शहर में घूम रहे हम। कहाँ चली गई? क्या चल रहा है अजय? क्या है, कल तक तो बाजी बाजी कह रहा था, आज से भाभी भाभी शुरू कर दिया। मतलब मेघना आपको बाजी बोल रही है, अब मैं भी आपको बाजी कहूंगा तो गलत हो जाएगा ना? रिश्ते की बात हम बाद में करेंगे, पहले ये बताओ मेघना को तुम पहले से जानते हो? हम जानते हैं उसे। हाँ? उससे मेरी पहली मुलाकात 3 महीने पहले एक दोस्त की सालगिरह पर हुई थी। पहली नजर में ही हम उसे अपना दिल दे बैठे, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करती थी। हैप्पी बर्थडे किशोर। ये देखकर मेरा दिल टूट गया था।
लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। अब देखिए भगवान ने मुझे उससे दोबारा मिला दिया। भाभी आपको हमारी मदद करनी होगी। ऑल द बेस्ट देवर जी। शुक्रिया। देखते मैडम कहाँ है, पता नहीं कहाँ घूम रही होगी। तुम हैदराबाद से हो ना? यकीनन हैदराबाद में ही सेटल हूँ। हैदराबाद में कहाँ? यकीनन बंजारा हिल्स में। हैदराबाद में कत्ल के लिए कितने पैसे लगते हैं? कत्ल और मैं, मुझे नहीं पता। सच में हैदराबाद के ही हो ना? मैं इतना भी हैदराबाद से नहीं हूँ। वैसे किसे मारने का इरादा है? और किसे? उस धोखेबाज किशोर को, उसके साथ उसके पूरे गिरोह को मार दूंगी। किशोर के गिरोह ने क्या बिगाड़ा है? उसके गिरोह ने मुझे धोखा दिया। वो कुत्ता शादी कर रहा है, किसी ने भी मुझे इतला नहीं दिया। तो था। मतलब उसकी शादी की खबर तुम्हें कैसे पता चली? बताया किसी ने, उसे लगता है बहुत बड़ी मदद कर दी। अगर वही मिल जाए तो उसे लाख घूंसे मारूंगी। हेलो। मदद तो की थी ना? थोड़ी सी मदद करके क्या फायदा? कह रहा था मेरे साथ रहेगा। मैंने उसे उस वक्त कितने कॉल्स किए थे, जवाब तक नहीं दिया। He didn't come to the airport also. मुझे शादी रुकवाने अकेले जाना पड़ा। उस वक्त हम खुद ही बाइक के जुगाड़ में फंसे थे, तुम्हारे साथ कैसे आ सकता था? अरे हम तो कुछ और सोच रहे थे, आपकी बहन तो बहुत खतरनाक है। हाँ बोलना। ए, पुलिस वाले आए थे बाइक की तलाश में, मेरे पापा को उठा ले गए। तू कहाँ है? अरे सुनना यार, आज मेघना मेरी बाइक पर बैठी थी, क्या लम्हा था यार। सो फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज। सारी औरतें बिल्कुल एक जैसी होती हैं। पापा फोन दो ना। किस लिए चाहिए? गेम खेलूंगा। दिमाग खराब मत करो, ये लो जाकर खेलो। हाँ मम्मी। आद्या कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ मम्मी, और भाई कैसा है? मम्मी अब कब आ रही है? पापा खाना अच्छा नहीं बनाते। आद्या हमें दे। मम्मी पापा आ रहे हैं, हम बाद में बात करते हैं। अंदर चलो खाना खाओ। चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। Everything will be fine. Good morning, ma'am. कितना हुआ? Okay, sir. 18,000, sir. अजय। हाय भाभी। कितना बिल हुआ है? पूछो ना हमारे हिस्से में कितना आया है, हमें भी भरना होगा। हम तो ठंडन गोपाल है, वहाँ देखिए भाभी, रिच महिंद्र सब संभाल लेंगे। हाँ Hi, are you my subscriber? Give me the bill. I'm coming. Okay. हमारा शेयर कितना हुआ? तुम पूछो ना मेघना। Okay. Please. महेंद्र, हम भी शेयर करेंगे। मैंने कर दिया, रहने दो। Please महेंद्र। मैंने कहा ना पेमेंट हो गई है, no problem. अगली मरतबा तो आप भर दीजिएगा भाभी। चलिए देर हो रही है। सुन बे जटाधर, YouTube पर लोग तुझे फॉलो करते हैं या नहीं ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन हमने तुझे उसी से फॉलो किया। इसने पैसा दिया नहीं और तुम इसके साथ चले गए, तेरी तो क्या कर रहा है? तू क्या मुंह ताक रहा है, गिरफ्तार कर उसे। अरे वहाँ क्या खड़ा है, चल। लेकिन माजरा क्या है? हम बताते हैं सर, ये बाइक चुरा कर भागा है सर। ने कहा कि मेरे पापा पैसे देंगे, झूठ कहकर हमारे सामने ही बाइक उड़ा कर ले गया। अब मेरा बॉस मुझे कितनी बातें सुना रहे आप नहीं जानते सर, लाखों की बाइक तुमने एक लुक्के के हाथ में कैसे दे दी? अच्छा सुनो, खैर इसे छोड़ दो। हाँ छोड़ दे, नामुमकिन है सर, इतनी मुश्किल से इसे गिरफ्तार किया है छोड़ने के लिए। मैं पैसे दे रहा हूँ, अब इसे छोड़ दो। इसने शोरूम का कांच तोड़ा, प्लस बाइक लेकर भागा, प्लस हमारा किराया भाड़ा,
सब कुछ मिलाकर 9 लाख रुपए और यहाँ का खर्चा मिलाकर 10 लाख रुपए दे दीजिए, चला जाऊंगा। मॉडिफाइड बाइक्स बेचना इलीगल है, अपने बॉस का नंबर दो, पुलिस शिकायत दर्ज करूंगा। हमें बिजनेस सिखा रहे हो क्या? सोच रहे हो हम डर जाएंगे क्या? हाँ ये लीजिए 9848 नंबर भी दो, तुम्हारी भी शिकायत करूंगा। सर एक्चुअल पेमेंट कर दीजिए, मेहरबानी होगी। शुक्रिया सर, चलता हूँ सर। वो जो बोल रहे थे वो सच है क्या? तुमने बाइक चुराई है? ये तुमसे कुछ पूछ रही है, जवाब दो। यूँ तो हर वक्त तुम्हारा मुंह बचते रहता है, अब क्या हुआ बताओ अजय। बताते हैं, वो बाइक हमने ही चुराई थी। हमारे पापा चाहे तो पूरा शोरूम खरीद सकते हैं, लेकिन हमें बाइक दिलाने के लिए उनके पास कैश नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि पापा जो हमसे काम करने के लिए कह रहे हैं वो हम कतई नहीं करना चाहते। क्यों? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है क्या? हमारी कोई अपनी जिंदगी नहीं है क्या? हम अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं जी सकते? कब तक बच्चा रहूंगा? वालदेन के ख्वाब औलादी क्यों पूरा करे? खुद डॉक्टर नहीं बन पाए तो तुम डॉक्टर बन जाओ, खुद एमबीए नहीं कर पाए तो तुम एमबीए करो। हम क्यों एमबीए करें? जिंदगी में रिस्क लेना और एडवेंचर करना ही मेरा मकसद है। ये मेरी जिंदगी है और हम इसे ऐसे ही जिएंगे। इट्स माय डैम क्रेजी लाइफ। हमें पता है चोरी करना गलत है, लेकिन पापा की जिद पर हमने ये बाइक चुराई। हमने सोचा पापा के आगे सर झुकाकर जीने से अच्छा उनसे दूर जाकर सर उठाकर जिंदगी जीऊंगा। ऑल द बेस्ट टू यू। सिर्फ तुम्हारा तरीका गलत है अजय, लेकिन तुम्हारा मकसद बिल्कुल सही। तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे और तब तुम्हारे पापा कहेंगे आई एम अ फादर ऑफ अजय एंड माय सन इज बेस्ट ऑफ ऑल। अब रो क्यों रहे हो? ये देखो तुम्हारा वीडियो बनाते हैं, तुरंत यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए प्लीज। कम ऑन, वी आर रनिंग लेट। हाय आई एम मेघना। वन सेकंड। सर वो लड़का हमें मारकर भाग गया सर, हमारा खून बह रहा है सर, अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ सर। उसे छोड़ना नहीं है सर, पुलिस स्टेशन में उसकी शिकायत दर्ज करेंगे, उसे सजा मिलनी चाहिए सर। गिरी तुम वापस आ जाओ, हमें पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवानी है। नहीं नहीं सर, मैं पुलिस में शिकायत दर्ज करूंगा जरूर, हमारी ईमानदारी पर धब्बा लगा है सर। हमारी बात सुनो। नहीं मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ सर, फोन रखता हूँ। देखा ना क्या अदाकारी की हमने, अब ये सारा पैसा हमारा है। अरे पैसा कहाँ चला गया? अरे यहीं पर तो रखा था, कहाँ गया? अरे पैसा किसने लिया? ए हमारा पैसा वापस दो। अरे यार अरविंद पैसा तो हमने यहीं रखा था ना। अब चोर यहाँ रुक के क्या करेगा? ए हम लोग लुट गए। अरे यार अब तो। हाय माँ। पागल लड़की, तुमसे बाइक छोड़कर फ्लाइट पकड़ने को कहा था ना। माँ अब हम आ गए ना। माँ हमारे फ्रेंड से मिलो, हैदराबाद से हमारे साथ ही आए हैं। नमस्ते। हाँ अंदर चलो। भाभी जी ले आइए। हाँ जी लो बेटा। ये क्या है? पकड़ो। जल्दी से तैयार हो जाओ, मंगनी का वक्त हो गया है। मंगनी? वो किसकी माँ? क्यों तुम्हें कुछ याद नहीं? माँ हमसे गलती हो गई कि आपका कहा नहीं माना, अब जब आप जिससे कहेंगी हम शादी कर लेंगे। तुमसे शादी करने के लिए हमारी सहेली का बेटा तैयार हो गया है। हाँ कर दीजिए हम पहुँच रहे हैं। चलो अजय चलते हैं। दिन भर बाजी बाजी करती रहती है, एक ही पल में पराया कर दिया। मंगनी के मुतालिक एक मर्तबा भी बताया नहीं, इतने दिनों से साथ में थी लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया, छुपा कर रखा। अब इसके लिए क्या सोचना, सब कुछ तो सामने ही है। चलो अजय चलते हैं। मंगनी होने के बाद चलते हैं।
Hey. Thank you. Congrats. So friends, जो लड़की हमारे साथ सफर कर रही थी आज उसकी मंगनी है. Let us wish her all the best. Okay? Tata. ठंडी हो जाएगी, चाय पी लो. तुम पियोगे या फिर हम पी ले? आप भी ना भाभी. ये लो मेघना. हाँ, ये बॉक्स तुम्हारा है क्या? हमारे दोस्त का है. तुम्हें पता है ये दवा किस वजह से ली जाती है? आद्या, कहो बेटा. आद्या नहीं, उसका पापा बोल रहा हूँ. एक खुशखबरी है, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ. आज के बाद मुझसे और मेरे बच्चों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, और मेरी तरफ से तुम पूरी तरह से आजाद हो. जैसे चाहो वैसे जी सकते हो. हम कोर्ट में मिलेंगे. पापा के खातिर पति के खिलाफ कदम उठाया. पापा जो इस दुनिया में भी नहीं है. बच्चों के लिए रुक जाओ या पापा के लिए आगे बढ़ो, हम पापा के ख्वाब को टूटने नहीं देंगे. हमारा दिल कह रहा है कि बस आगे बढ़ते जाएं, जो होगा देखा जाएगा. कोई मसला तो नहीं है ना सर? हम उन्हें ले जा सकते हैं. ये कहां से आ रहे हैं? चेन्नई से सर. और जा कहां रहे हैं? लद्दाख. व्हाट? जिन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए वो बाइक चला रहे हैं. लद्दाख जाना रद्द करें, इन्हें आईसीयू में दाखिल करें. ये लंग कैंसर के फाइनल स्टेज में है. सिर्फ 4 दिन है इनके पास. हॉस्पिटल में अगर स्मोकिंग जोन बनाते तो अच्छा होता. शट अप! बिना सिगरेट पिए 5 मिनट नहीं रह सकते. ये रिपोर्ट देखो, तुम्हारे लंग्स डैमेज हो चुके हैं.
इसलिए तो पिछले 25 सालों से पी रहा हूँ। हमारी बात मानोगे तो कुछ दिन और जिंदा रह पाओगे। मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर इम्पॉसिबल मैन। मौत से किसकी रिश्तेदारी है यार, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बस यही कि हम तुझसे कुछ साल पहले चले जाएंगे। यही डर तो हमें खा रहा है। तुम कहीं जल्दी ना चले जाओ। अभी तुमने जिंदगी में हासिल ही क्या किया है, कोई एक चीज बताओ। पिछले 25 साल से देखते आ रहे हैं, सबसे अलग हो गए हो तुम। तुम्हारी बर्बादी की वजह वो है, उसी की वजह से तुम्हारी खुशियां छिन गई हैं। जब से वो आई है तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो गई। उसकी जिंदगी हमारी वजह से बर्बाद हुई है, इसलिए 25 साल से उससे दूर है, अपना मुंह छुपाए बैठे हैं। लेकिन हमें यकीन है कि एक ना एक दिन वो हमें माफ कर देगी। आज तक अगर उसने हमें माफ नहीं किया है तो सिर्फ हमारी गलती की वजह से। हम चाहते हैं कि एक मरतबा हम उसके पास जाकर अपनी गलती कबूल कर लें और उसके पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर लें। हमारे लिए इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी कि हमारे आखिरी पल में तुलसी हमें माफ कर देगी। तुलसी की याद में हमने ये सफर शुरू किया था। हमें हमेशा से इस बात का खौफ रहा है कि कहीं तुलसी की मुलाकात से पहले हमारी सांस टूट ना जाए। हर पल हमें यही बात खाती है कि वो हमें माफ करेगी या नहीं। हम आप लोगों की दोस्ती कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इतने सालों बाद हम आप ही लोगों की बदौलत खुश हैं। बिना अपनी परेशानी बताए हमने आप लोगों को खुश रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार यह आप लोगों पर जाहिर हो ही गया। मेघना, चलो, मां बुला रही है। इस मर्तबा माफ कर दीजिए। पागल हो क्या तुम? मंगनी छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हारा दिमाग खराब है? दो दिन की मुलाकात के लिए तुम परिवार को छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें पता नहीं किस वक्त किसे अहमियत देनी है? जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, शगुन का वक्त निकल रहा है। मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है, 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेंगे। हाँ, भले ही वो ठीक लग रहे, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनका जिस्म खोखला हो चुका है। ओके, शैल वी स्टार्ट? सर एक मिनट, आप इस तरह नहीं जा सकते। ये किसने कहा? हमारे एमडी ने। अपने एमडी से कह दो गो टू हेल, आई एम गोइंग टू लद्दाख। कम ऑन गाइस, आप इन्हें समझाइए ना, ही इज वेरी सीरियस। ये लोग कभी नहीं समझेंगे बेटा कि तुम्हारी मोहब्बत सबके लिए एक सी है। अच्छा, एक लड़का तुम्हारे साथ आया था, उसका नाम क्या है? अजय। उसे देखते ही समझ गया था कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें पता है या नहीं? बचपन से तुम जिस तरह से जीती आई हो उसी तरह जियो ना बेटा। अपनी माँ से किए हुए वादे और घर की इज्जत शोहरत छोड़ो, इन दकियानूसी बातों को अपने दिल की सुनो। अरे क्या हुआ? भाभी जरा गाड़ी लगाओ। हाँ। फिर से जा रही? अरे कहाँ चली मेघना? ये सब क्यों कर रहे हैं सर? डॉक्टर की बात मानकर हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं ना? हमें अस्पताल की चार दीवारी में नहीं मरना लक्ष्मी। आई नो, हमारे पास सिर्फ 4 दिन बचे हैं। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी इस खूबसूरत सफर में खत्म हो। हमें तुलसी से मिलना ही होगा। तुम अपने मकसद को पाने के लिए इस सफर पर आई हो। हम इसके बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहते, हम खुद को संभाल लेंगे। तुम लोग आगे बढ़ जाओ। क्या मतलब आपको अकेला छोड़कर चले जाए? हाँ, आप जानते भी है कि आप क्या कह रहे हैं? अपनी हालत देखिए कितनी खराब हो रही है। हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हो। हम समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। हम जैसे पहले रहते थे 4 दिन और रह लेंगे और ऐसे रहेंगे जैसे किसी को कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है ना? ठीक है,
आंसू पोछ लीजिए भाभी, भाई हमारे साथ ही आएंगे। भाई, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आप फाइनली तुलसी से मिलने वाले हैं और हमें यकीन है कि आप उससे वाकई में मिलेंगे। लेकिन प्लीज अपनी मौत की तारीख मुकर्रर मत कीजिए। ठीक है। अच्छा भाई, पहले ये टैबलेट खा लीजिए वरना अभी नहीं पड़ जाओगे। अबे तेरी तो मजाक कर रहा था। सिर्फ ये देने के लिए वापस आई? ओह, हमें देखकर ऐसा लग रहा है क्या? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी, उसका क्या हुआ? ओह, शिट। अब तक आपने हमें इतना ही समझाया, आपने भी मुझे नहीं बताया। आप तो बता सकती थी, एक कॉल तो कर सकती थी, हमें छोड़कर चली आई। I'm sorry, मेघना, really sorry। हमारा कोई अपना मकसद नहीं है, बस आपको ही कामयाब होते देखना हमारा मकसद बन गया। लेकिन आप लोग तो सॉरी मेघना, हमने ये सब तो सोचा ही नहीं था। खैर, तुम्हारी शादी कब है? शादी क्या? महेंद्र भाई प्लीज, देर हो रही है, बातों में वक्त जाया मत कीजिए। अगले हफ्ते है। हमें तुमसे बात करनी है। चलिए भाई, चले क्या? हेलो, कैन यू हियर मी? तुम जो भी कहोगी हमें नहीं सुनना है। तुम्हारा जो दिल चाहता है वो करती हो। तुम मेरे करीब आई, फिर दूर भी चली गई। अब और क्या करना चाहती हो? हमें तुम्हें देखना भी नहीं है और बात भी नहीं करनी अब है। बहुत हो गया, बकवास कब बंद करोगे? हमें सब पता चल गया है, किशोर की शादी के बारे में बताने वाले तुम ही हो। ये किशोर कौन है? तुम्हें पता था कि मैं शादी कर रहा हूँ, फिर भी तुम आकर मेरे सर पर बोतल तोड़ कर गई। और उस अजय का क्या? उसे तो पता था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर भी वो तुम्हारे चक्कर में था। तो वो क्या दूध का धुला है? एक नंबर का धोखेबाज है। अब तुम बताओ, हम तुम्हारे करीब आए थे, हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे, अपने दोस्त की लवर से मोहब्बत करता हूँ यही कहा था ना चैनल पे? तुम हमेशा गलती करते हो और ये बात सभी को पता है। तुम भी अच्छे से समझते हो ये कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, सब ढकोसला है। जो समझना है तुम समझो, लेकिन ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम सब एक साथ रहे। उन्हें नहीं पता कि हम कभी एक नहीं हो सकते और हम ऐसे ही रहेंगे। ओके ठीक है, लेकिन इस सफर में एक बात का ख्याल रखना, ना तो तुम हमें देखोगे और ना ही बात करोगे। अगर तुमने हमें देखा या बात की तो हम तुम्हारे बारे में सबको बता देंगे। अगर हम कह देते कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं तो ना तो तुम मुझे देखते और ना ही बात करते। अब हम तुम्हें देखते रहेंगे और हमारा मन तुमसे बात करते रहेगा। हमारी मोहब्बत की कहानी में सिर्फ तुम ही मुझे आई लव यू कहोगे। सर, yes. Come, I was waiting for you. Project details. Terrific, outstanding. ये टेक्नोलॉजी रॉयल एनफील्ड के इतिहास को दोबारा लिखेगी। इनफैक्ट सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया इसे मुतालिक बात करेगी। अगले संडे लद्दाख में हमारे CEO एनुअल फेस्टिवल के लिए आ रहे हैं। Let's try it together. I'll fix an appointment for you. Thank you. Just take your ID cards. Thank you. Welcome. Hey followers, हम कल मनाली की राइड पर जाने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ऐसे ही खूबसूरत नजारे दिखाते रहेंगे। देखिए यहाँ का मौसम कितना सुंदर है, यहाँ आसपास के नजारे हम आपको दिखाएंगे। Hey, क्या कर रही है? छोड़ो। अजय। Yeah, I am Ajay. Don't you remember me? अरे यार, I'm your follower. हम आपके चैनल की फर्स्ट सब्सक्राइबर सुमेना मुखर्जी। Yes. How are you? Good. Meghna, right? I have seen your engagement video. Such a cute couple. Yeah, है ना? आओ ना अपनी टीम से मिला दे। मैं आता हूँ। Hey,
डब्लू डब्लू के मायने। अरे भुखड़ खाना बंद करो और जो कहता हूँ सुनो। डब्लू डब्लू के मायने। तेरे पास सौ से ना तो थोड़ा देना। डब्लू डब्लू के मायने वर्ल्ड वाइड वेब। और क्या? अबे इस टीम का लीडर कौन है? हम है ना। तुम्हारे घूमने के लिए पेट्रोल और खाने के लिए बर्गर कौन देता है? हम देते हैं ना। तो फिर इस टीम को डब्लू डब्लू के मायने हम समझाएंगे। किस बात की? शुरू कीजिए। तुम बहुत जल्दी में हो, दाढ़ी बहुत अच्छी है, ज्यादा नहीं बोलते हैं। डब्लू डब्लू के मायने वेट वाटर तुम्हें हल्का वजन लेकर चलना चाहिए। डिहाइड्रेट ना हो इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। हर तरह मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए। कितनी मरतब आप एक ही बात रटाएंगे? अब तुम्हें हम क्या बताएं? ऑलमोस्ट 7,620 मिनट्स हम दबे थे। हमारा दाहिना पैर दो चट्टानों के दरमियान फंसा हुआ था। हम हिल नहीं पा रहे थे। कितना भी बड़ा रिस्क क्यों ना हो, बड़े इत्मीनान से सामना करता है उसका ये केजी राव। तुम देखने में तो क्यूट लग रहे हो। इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हो? 7,620 minutes divided by 60 minutes means 127 hours. ये मूवी हमने भी देखी है बॉस। सर फिल्मी चक्कर से बाहर आइए, इन्हें अपना तजुर्बा बताइए। जैकेट अच्छा है सर। 30 साल से जैकेट पहने हैं। सही कहकर गया ना वो। एक तमाचा रसीद करेंगे। इस टीम का लीडर कौन है? आप हैं। तुम्हारी बाइक में पेट्रोल और ये बर्गर किसने दिया? आपने। तो हम जो बता रहे हैं वो हकीकत है या फिल्मी चक्कर? किसने कहा फिल्मी चक्कर है, हकीकत है। उसे हमने ही तो शूट किया था। अच्छा हाँ। अरे बहनों क्या चल क्या रहा है? इस मुल्क की तहजीब और रस्म रिवाज आप लोग ही खराब कर रहे हो। जब तक इस जिस्म में रूह है तब तक यहाँ की तहजीब किसी को खराब करने नहीं दूंगा। हम सिखाएंगे तुम्हें यहाँ के रिवाज। खवातीन हमारा कहना माने और इज्जत से अपने घर रवाना हो जाए, नहीं तो एक एक को यहाँ से मारकर भगाएंगे। याद रखें, जय जय देशोधरा। जय जय देशोधरा। क्या रहे बे, सबको भगाओ। हाँ भाई चलो 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 यहाँ से। चल 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 नहीं दिमाग खराब है तुम्हारा? बाइक पर क्यों थूका? इज्जत से साफ कर दो। आंटी भैया थूकते तो इतना गर्म हो रही हो, पेशाब कर देंगे तो क्या करोगी? हिम्मत है तो करके दिखा, पैंट उतार करके दिखा। चुप। चल क्या रे, तू अपने कसम के साथ आई है या यार के साथ? हाँ अच्छा एक नहीं दो यार हैं। अभी जो वीडियो बनाया उसे अपलोड कर देना। वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कमेंट से बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं। अगर YouTube को पता चला तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अरे बेवकूफ, ऑनलाइन जाकर ब्लॉक करूंगा, तुम सिर्फ वीडियो अपलोड करो। अरे बापरे ये क्या चल रहा है? एक मिनट में बाहर गया तो ये मैदान जंग बन गया भाई। अच्छा लड़ रहा है, देखो देखो। सुपर पंच, बट टाइमिंग मिसिंग। यहाँ थोड़ा दबा कर मारती तो परफेक्ट लगता। ए, तू कौन है बे? हिज ग्रुप फ्रॉम। अबे चुप। तू सुना है ना ग्रुप से है ना? हाँ उसी ग्रुप से हूँ। टाइमिंग तो सही थी ना सर, आपने जैसा कहा वैसा ही चिपका दिया। Oh!
लड़की पर हाथ उठाएगा, बाइक पर थूकेगा, साफ कर अच्छे से। आद्या आवाज कम करो। आद्या 24 घंटे टीवी देखती रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? जाकर पढ़ाई करो। हम डॉक्टर बनके क्या हासिल कर लेंगे पापा? आज आपने मम्मी का हौसला तोड़ा है, मुस्तकबिल में आप हमारे भी हिम्मत तोड़ेंगे। हमसे भी कहेंगे घर में रहो, मुलाजमत ना करो। जब घर में ही रहना है तो तालीम याफ्ता होने से क्या फायदा? हूँ गुड मॉर्निंग राइडर्स। चलो गुड मॉर्निंग सर। उधर चलकर लुत्फ लेते हैं। कहाँ जाना है? हम तो जाकर आ चुके हैं, आप जाइए। तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल कौन भरवाता है? रात में खाना पीना कौन देता है? तुम्हें अचानक सामान उतारने के लिए कौन कहता है? अरे यार, तुम बिना हमारे हुक्म के सामान उतार सकते हो? चलो अदाकारी तो ऐसी कर रहे हो मानो वहाँ जाकर लौट आए हो। माफ कीजिएगा सर, गलती हो गई। चलो चलो आपको अदाकारी दिखा रहे हैं। चलना पड़ेगा। तुम्हारे बारे में सोचकर हमें रात भर नींद नहीं आई और तुम यहाँ सुकून से सो रहे हो। हेलो हेलो, हमारे मुंह पर पानी क्यों फेंका? दिखाने देता कितने सुकून से सो रहे थे हम। ये तुम्हारा घर नहीं है जो गधे घोड़े बेच के सो रहे हो। वक्त पर तैयार होना चाहिए ना। तुम्हारे चक्कर में कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। जब से यहाँ आया हूँ तब से गौर कर रहा हूँ, तुम्हारा सुलूक बदल गया है। हम जिसे प्यार करते थे उसकी मदद करना चाहते थे, हो सकता है ये हमारी भूल हो। ये बात हम तुम्हें होटल में बताने वाले थे लेकिन तुमने लड़ाई शुरू कर दी इसलिए हम खामोश हो गए। छोड़ो। छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। I'll kill you. Then kill me. It's a bright day. खाने में क्या क्या बना है? Come on, take it. पूरी, चपाती, ब्रेड, कड़ी। अजय, सॉरी सॉरी सॉरी, गुड मॉर्निंग। डियर राइडर्स, लिसन केयरफुली, चेक योर गियर्स, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, डू नॉट कट योरसेल्फ ऑफ फ्रॉम द लाइन, फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड हैंड सिग्नल्स, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी Give a hand signal and pull over. Let's have a safe and memorable journey. Let the ride begin. हमें हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया है, देखिए इसे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक गाड़ी फंसी हुई है, नदी पार करते वक्त एक गाड़ी फंस गई। उस वैन में 8 मुसाफिर फंसे हुए हैं। डैम के गेट भी खुले हुए हैं। वी हैव टू मूव नाउ। ऐसे तो पूरे सफर में ना जाने कितने मैसेज आएंगे, कितनों को सॉल्व करोगे? क्या सोच रहे हो सर, पूछिए इनसे। यस ब्रो, वी ऑलरेडी लेट ऑन आवर शेड्यूल, कम ऑन लेट्स गो। चलिए चलिए, वी आर नॉट जस्ट राइडर्स, वी आर फाइटर्स टू। अगर फाइटर के सामने कोई फंसा होगा तो एक फाइटर क्या करेगा, बताइए। हम साथ चलेंगे। अजय, आई'ल कम विद माय टीम। विद माय टीम का मतलब क्या है? घबरा क्यों रहे हो? ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए पैदा किया है, क्यों ना हम लोग उन्हें बचा कर अपना फर्ज अदा करें। डूड कम ऑन लेट्स गो, जिन्हें आना होगा वो आ जाएंगे। Riders, take a U-turn. Okay. They need our help. Let's go. Okay.
जल्दबाजी नहीं। अरे बचाओ। पानी बहुत गहरा है, हमें किसी चीज का सहारा लेना होगा। जल्दबाजी मत करो। बचाओ। आपके पास रस्सी है ना, जाओ जल्दी लेकर आओ। जाओ। हाँ ठीक है, चलो चलो जल्दी। ऑलमोस्ट बीच में जाकर फंसी है। पानी बहुत गहरा है। डियर सब्सक्राइबर, आप हमारी मदद कर सकते हैं, इस डैम गेट को बंद करवाइए। वी नीड मोर सपोर्ट फ्रॉम यू। वाले उधर ही क्यों हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुलाओ ना। हेलो मीडिया। बताइए सर। दरअसल ये मैसेज सबसे पहले हमारे पास आया था, बट उसका नाम क्या है? अजय। हाँ, अजय थोड़ा जोशीला है ना, इसीलिए उसे मौका दिया। ये तेलुगु वाले नहीं, हिंदी वाले हैं। ओ, ये खबर सबसे पहले इसने ऐसे मुंह फेर लिया जैसे मैं बकवास कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बजाएं तब निकलेगा मौसीकी। सुर में यार। गुड इवनिंग राइडर्स, आज के दिन पूरे मुल्क में हमारे गिरोह का जिक्र किया जा रहा है और उसकी वजह है अजय और उसकी टीम। उन्होंने ही हमें ये हौसला दिया था। थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर कि सबकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस जरूर आए होंगे। प्लीज फील फ्री टू शेयर विथ अस। एक्सपीरियंस क्या होता है ब्रो, वो तो हमारे रग रग में है। कितने तजुर्बे बताएं, हमारे पास तो बहुत सारे किस्से हैं। ज्यादा की जरूरत नहीं है, एक ही बताओ। एक ही बताऊंगा, पूरी जिंदगी याद रखोगे। जी बताइए। हमेशा की तरह वो 2019 की रात थी, आधी रात के 12 बज चुके थे। करीब आओ करीब आओ। श्री जेलम से करनौल जंगल के बिल्कुल दरमियान में तकरीबन 250 की रफ्तार से। ये क्या कह रहे हैं आप दोस्तों, हाई स्पीड है। हमारी बाइक है ना, हमारी बाइक की रफ्तार हमें पता है। हाँ। उसी रफ्तार से हम जंगल में जा रहे थे, तभी हमें पीछे से एक आवाज सुनाई दी। हमने आईने में देखा, पीछे एक शेर था। क्यों डर गए क्या? आप सब लोग भी डर गए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरे। हम उसी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। आगे हम, पीछे शेर। आगे हम, पीछे शेर। आगे हम, पीछे शेर। अचानक हमें रोड पर एक बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई दिया, सेव द टाइगर लिखा था। फौरन हम राइट की जगह लेफ्ट में मुड़ गए। पागल शेर राइट में चला गया। यही हमारा तजुर्बा था। कोच ने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहा था, जोक नहीं। नेक्स्ट मिस्टर जोसेफ, वी वुड लाइक टू शेयर अ फ्यू वर्ड्स। हाय राइडर्स, हाय एवरीबॉडी। 40 साल से हम बाइक चला रहे हैं। 3 साल पहले दिल्ली से लखनऊ जाते वक्त हमारा बैलेंस बिगड़ गया और हम गिर गए, और उसी वक्त एक गाड़ी हमारे दाएं पैर पर चढ़कर गुजर गई। बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं की। खून ज्यादा बह जाने की वजह से मेरा पैर काटना पड़ा। अब हम ये सोच रहे हैं, अगर उस वक्त अजय जैसा कोई बंदा सामने आता तो हमारा पैर बच जाता। अजय, हमें तुम पर बहुत नाज है बेटा। शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज अपने मुतालिक कुछ बताइए। हमारे पास ऐसा कोई तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन हम आप लोगों से अपने दिल की सारी बातें बता सकते हैं जो हमने कभी बचपन से अब तक किसी को नहीं बताई।
जिंदगी में पहली मर्तबा हम रोड पर अकेले निकले हैं, जिंदगी में पहली मर्तबा, और इसकी वजह हमारे पिताजी हैं। वो रॉयल इनफील्ड बाइक के मैकेनिक थे। पापा की तरह हमें भी रॉयल इनफील्ड बाइक बहुत पसंद है, तो हम भी उनके ख्वाब से जुड़ गए। जब हम तकरीबन 10 साल के रहे होंगे, हमारे पापा रॉयल इनफील्ड बाइक में टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहते थे और इस दुनिया को कुछ नया देना चाहते थे। हम और पापा डेमो देने के लिए यहाँ लद्दाख आने वाले थे। उस रोज हम सुबह सुबह उठे और सारी पैकिंग कर ली। पापा के करीब जाकर देखा तो वो सोए हुए थे। सोचा कि निकलने से पहले इतनी देर तक क्यों सो रहे हैं, तो उठाने की कोशिश की, लेकिन पापा नहीं उठे। हम अपने पापा को और क्या दे सकते हैं, बस यही कि उनका ख्वाब मुकम्मल कर दूं। लेकिन हमें ये इल्म नहीं था कि लड़की होने की वजह से ये इतना मुश्किल होगा। हमारी परवरिश हमारे रिश्तेदारों ने की। उन्होंने हमारी ग्रेजुएशन छुड़वा दी और शादी करा दी। हम पापा को अपने पति में तलाशने लगे थे, उम्मीद बढ़ गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मरे हुए को क्या पता कि हमने उनके लिए क्या किया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारी बेटी ने हमारा डर दूर किया और हमारा हौसला बुलंद किया, और उसी की हिम्मत से हम यहाँ पर हैं, आप लोगों के सामने। All the best, Lakshmi ma'am. You will definitely your father's dream. Thank you. And now, finally, let us welcome the star of the day, Mr. Ajay. A few words, please. I'm not the only star. मदद करने वाले यहाँ मौजूद आप सभी स्टार हैं। और अब जिंदगी, जिंदगी कितनी कीमती होती है हमें पता ही नहीं था। जिंदगी को दांव पर लगाने से मुझे थ्रिल मिलता था, और उसी थ्रिल में हम अपनी जिंदगी को तलाशते थे। तभी फैसला कर लिया कि एडवेंचर राइडर बनेंगे। हमारे मम्मी पापा को ये बात नागवारा लगी। शुरू में लगा कि वो हमसे मोहब्बत नहीं करते इसलिए मना कर रहे, बट अब एहसास हुआ कि वो हमसे मोहब्बत करते थे इसलिए मना करते थे। जिंदगी को दांव पर लगाएंगे तो कौन से वालदे इजाजत देंगे, बताइए। हमें लगता था कि जो इंसान मोहब्बत जताता है उसकी कदर नहीं होती। असल में जिंदगी कितनी कीमती होते इस सफर ने मुझे अच्छे से सिखा दिया है। महेंद्र, इनकी जान जा रही है फिर भी ये हंसते हुए हमें देखना चाहते हैं। जिंदगी कितनी कीमती है इन्होंने हमें सिखाया है, और हम इन्हें खोना नहीं चाहते। अगर कोई खतरे में हो और हम उन्हें बचाते हैं, तो हम सिर्फ उन्हें नहीं बचाते, हम उन्हें भी बचाते हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं। All the best. कमाल कर दिया। I am very proud of you. बहुत बहुत शुक्रिया मेघना। किस लिए? आज हम इतने लोगों को जो बचा पाए, इसकी वजह सिर्फ तुम हो। भले ही बजाय तुम हमसे नाराज हो, लेकिन तुमने हमारा सपोर्ट किया। उस जगह पर कोई भी होता तो हम सपोर्ट करते। That's my character. Hey, पता है तुम्हारे अंदर मोहब्बत से ज्यादा नफरत भरी है, इसलिए प्यार से कहने वाली चीज भी तुम नफरत से कहती हो। बट आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आई लव यू। हमारी मोहब्बत पर भले ही तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन इस मोहब्बत की खातिर तुम्हें और तुम्हारी नफरत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आई एम श्योर तुम्हें हमसे बेहतरीन पार्टनर तो मिलेगा ही नहीं। हमने तुम्हें देखा भी और आई लव यू भी कह दिया। तुम्हें जिसे जो कहना है जाके कह दो।
सफर में हर कदम जो हम तुम्हारी जानिब उठा रहे हैं वो हमारे लिए खास है तुलसी, और इसीलिए हम हर लम्हे को, हर किस्से को किताबी शक्ल दे रहे हैं। लेकिन इस आखिरी सफ़े पर हम क्या लिखें समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगा था कि हमारे सफर का आगाज होते ही खत्म हो जाएगा, और अब जब यह सफर खत्म हो रहा है हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी यह सफर क्यों खत्म हो रहा है। तुमसे मुलाकात की खुशी और इन लोगों की जुदाई का गम, ये दोनों चीजें हमारे दर्द की वजह है। क्या इस सफर ने हमें बदल दिया है, या वो तुम हो जिसने हम में ये बदलाव पैदा कर? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। हम टैबलेट नहीं ले पाए। लेकिन हमने टैबलेट क्यों नहीं ली? आराम से चली हुई है। YouTube चैनल की फर्स्ट सब्सक्राइबर हूँ मैं। परफेक्ट सुनैना, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू थैंक यू बीइंग माय फर्स्ट सब्सक्राइबर। थैंक यू। मिस इट टू। तुम भी अपना ख्याल रखना। यहाँ का क्लाइमेट बिल्कुल भी। या सो वेयर वर वी? पता है कल हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी बात करनी है। गुस्से में लग रहे हैं सी, ये सब कैसे बोलते हैं हमें नहीं पता, बट हम जैसे भी गुफ्तगू करें तुम हमें पसंद करते हो, इसीलिए लव यू। और सच में हम इसी हालत में तुम्हें बहुत डांटना भी चाहते हैं। क्या कहा था, हमें तुमसे बेहतर पार्टनर नहीं मिलेगा? कोई चांस ही नहीं। अगर यकीन नहीं है तो अपने सीने से लगा कर देख लो, यकीन हो जाएगा। वेट 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 वेट, पहले मंगनी तो तोड़ो, ऐसे कैसे हाथ लगा रही हो? वो तो कैंसिल हो चुकी है। ओके ओके कंटिन्यू कंटिन्यू। आखिरकार तुम लोग एक हो गए, मुझे बहुत खुशी है। आखिरकार गाड़ी पटरी पर आ ही गई ना। अब क्या इरादा है? हेलो हेलो मम्मी। कहो बेटा। भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा, कब हुआ? स्कूल जाते वक्त। आप जल्दी आ जाए मम्मी, वो सिर्फ आपके मुतालिक पूछ रहा है। ठीक है, जल्दी आती हूँ। क्या हुआ लक्ष्मी? हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है सर। क्या? मुझे जाना होगा। रुक जाओ लक्ष्मी। पता नहीं वो किस हाल में होगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो हम सह नहीं पाएंगे। एक बार अपने शौहर को फोन करके पूछो तो सही। 3 रोज पहले ही उन्होंने मुझसे तलाक की बात की थी, वो शायद हमसे बात नहीं करेंगे। हमारा दिल बैठा जा रहा है सर, प्लीज हमें जाने दीजिए। प्लीज एक मर्तबा कॉल करो, हमारा कहा मानो, प्लीज फोन करके तो देखो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बाबू कैसा है? फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, मामूली चोट है, घबराने की बात। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम वापस लौट रहे हैं। नहीं नहीं, हम सब संभाल लेंगे, तुम पापा का ख्वाब मुकम्मल करो, गुड लक। देखो लक्ष्मी, जो सच्ची मोहब्बत करते हैं वो कभी नफरत नहीं करते, चाहे वो शौहर हो या ना हो। यस सर, यस सर, इंडीड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम नाउ। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। नहीं नहीं, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ दे दे। हाँ अभी दे दे। हेमा पुष्पा फोन। हेलो पुष्पा जी, कैसी हैं आप? हाँ थैंक यू। हाँ जी, हाँ 2 दिन में आ जाएगा, आते ही बताती हूँ, ख्याल रखिएगा। आज तो हमारा बेटा सबके लिए हीरो बन गया, पर हम शायद उसे कभी समझ ही नहीं पाए।
हमारी तुलसी वहां रहती है, तुम सब अपना ख्याल रखना। वाओ सुपर, आपने बताया ही नहीं, हम इतनी दूर आने के बाद तुलसी जी से मुलाकात किए बगैर कैसे चले जाएंगे? हम सब साथ चलेंगे। यस सर, वी वांट टू जॉइन यू। ये क्या है सर, हम इतनी दूर से तुलसी जी से मुलाकात करने आए हैं और आप इनकार कर रहे हैं? इतनी दूर आकर तुलसी से भी ना मिले, ये तो बहुत गलत होगा। राइडर्स, हम अभी तुलसी मैडम से मुलाकात करने जा रहे हैं। ये! ये! हेलो डॉक्टर साहब, हम तुलसी जी से मुलाकात करने के लिए आए हैं। कैसे हो भाई? तुलसी की मौत हो चुकी है 25 साल पहले। करो तुलसी, ये सब हमारी वजह से हुआ है ना, हम खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तुमने कुछ भी नहीं किया महेंद्र, हमें छोड़कर मत जाओ तुलसी। हम नहीं चाहते कि तुम खुद को नुकसान पहुंचाओ। हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे तुलसी। वादा करें, वादा करें। हमें कभी लगा ही नहीं था कि तुलसी हमसे दूर है, इसलिए हमने तुम्हें बताया नहीं। हमने ईश्वर से सिर्फ एक ही चीज मांगी, कि आज हमारी जान जरूर निकल जाए, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमें एक दिन और मिल जाए, क्योंकि कल हम तुम्हारे चेहरों पर कामयाबी की खुशी देखना चाहते हैं। अब तुम लोगों को जाना चाहिए, बढ़ो अपने मकसद की जानिब। सरप्राइज प्लान इसी का था। तुमसे वादा किया था इसलिए अब तक जिंदा है। तुम्हारे पास आने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, आज वो जंग मुकम्मल हो गई।
आज वो मेरी गेस्ट देखने के लिए आई। बाइक कहीं दिखाई नहीं दे रही। बाइक कहीं दिखाई नहीं दे रही? तुमने बाइक खड़ी कहाँ की? पार्किंग में ही तो खड़ी की थी। चलिए चलकर देखते हैं। आइए भाई साहब, चलो मेघना आओ। सभी अलग अलग जानिब जाए, कहीं ना कहीं तो दिखेगी। जिसे दिखे वो बता देना। हाँ भाई, अब इस जानिब जाए। आप दोनों उस जानिब जाए। हम इन लोगों को देखते हैं, तुम बाइक संभालो। ए रुक, क्या हुआ लक्ष्मी? उन गुंडों ने हमारी बाइक चुरा ली। चलते हैं। लक्ष्मी सर। हेलो लक्ष्मी मैडम, आप आ रही है? नहीं सर, हमारी बाइक जला दी गई है। हम वहाँ कैसे? अगले आधे घंटे में आपका डेमो है, वो पहुँच जाएंगे। गो अहेड विथ योर प्लान। लक्ष्मी, हमारी बाइक भी सेम मॉडल की है, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है। तुम वो फॉर्मेट हमारी बाइक पर अप्लाई कर सकते? नहीं हो सकता सर, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। एक मरतबा हिम्मत करो तो सही लक्ष्मी। माँ जब अपने बच्चे को पैदा करती है तो कितना दर्द बर्दाश्त करती है पता है? तुम्हारा मकसद भी एक बच्चे की तरह है। नामुमकिन है कहकर छोड़ दोगी उसे या जान पर खेलकर लड़ोगी? क्या सोच रही हो? इस रेस में जाने के लिए देर हो रही है, इतने मुश्किल पड़ाव पार किए हैं, इस तरह हारने के लिए? उसने सिर्फ तुम्हारा पैर तोड़ा है, जान नहीं ली है, समझे? उसे इसका जवाब नहीं दोगे? उसे जवाब भी देना है और जीतना भी है, तुम दोनों को जीतना है। उठाओ, कम ऑन, कम ऑन, मूव, मूव। Dear riders, welcome to the 16th Red Bull National Adventure Race. This is 8-kilometer race which is very dangerous and life-threatening. It's located at high altitude of 4,005 meters above the sea level. For this competition, we have selected 5 riders from different states. Here, Mr. Adventure Ajay is missing.
Only the winner of this race will be qualified for the international adventure race to be held in Australia. Ready? Welcome, Mr. Rajai. The big rider is ready for this race. Yes, sir. How long will take Lakshmi to come? Sir, actually, her bike got burned. What? I'm sorry. Please give us 2 minutes, sir. Is it possible? Everyone, this is a new inventor technology for which my father struggled for 10 years to make it possible. We all love Enfield is highly acclaimed 1980s model. My father modified the engine to make it highly electrical and hybrid technology. This engine gives us more mileage and faster pickup. Today, because of my family and my co-riders, I hope my father's dream will come true. Thank you, everyone. I appreciate all the new technology you guys have done stated us today. On behalf of Royal Enfield, we always welcome new technology into our company. And today, we are pleased to announce Mrs. Lakshmi for the collaboration of the new hybrid engine technology to the Royal Enfield. And here is request to Madam Lakshmi to head the technical department, and also we offer her a 2% profit shares on its sales. Lakshmi, thank you. Congratulations. Yeah.
Congrats, sir. Congrats. What a surprise. Ma. And this is for you. Gold play button. Oh my God. ये कब आया? Yes. Thank you. और सुनो, हम और तुम्हारी मम्मी, मतलब हम और हमारी अहलिया, हम राइडिंग पर जाएंगे. Take this helmet, madam. Yes. देख रही हो? Gold play button. Congrats. Yes. क्या बात है?